बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज में आज जिस मज़मून को समझने जा रहे हैं हम, वो है साइंस, और ये साइंस ग्रेड 6 के लिए है। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी, उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी, वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें, तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। साइंस का समर पैक और रिसोर्स पैक दोनों कैंटब की वेबसाइट पर ईज़िली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। टुडेज लेक्चर इज़ फ्रॉम साइंस ऑफ ग्रेड 6 and the chapter which is under discussion is chapter 3, that is about two important processes in plants life, photosynthesis and respiration. In the first section we are discussing photosynthesis. In previous two lectures we have discussed the structure of leaf, defined the process and understand the process of photosynthesis. Now it's our third lecture in this series. And in this lecture, we are going to study the importance of photosynthesis. We'll see how and why this process is so much important for plants. Can plants survive without photosynthesis or not? And what's the importance of this process for other living beings such as animals and human beings? Through this lecture, the SLO that will be achieved is explain the importance of photosynthesis in plants. We'll find support from our textbook at page 32 under the heading of importance of photosynthesis in plants. It's topic 3.3. One by one we'll study all the points that show that photosynthesis is one of the important processes in plants' life. Number one is carbohydrates, or you can say sugars, produced in photosynthesis are used to build the plant cell structure, like cellulose in the cell wall. अभी जो plants food produce करते हैं जो कि carbohydrate की form में है, ये food एक तो energy produce करने के काम आती है, और दूसरा plants इस food को use करते हुए अपने different structures भी बिल्डअप करते हैं, जैसा कि सेल वॉल। सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी है, जो कि कार्बन का एक कंपाउंड है। और दूसरा पर्पस ये है फोटोसिंथेसिस का कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है प्लांट्स के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए, अपने ऑर्गन्स की डिवेलपमेंट के लिए और दीगर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस ना कर सके, उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्लांट अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट्स इज ट्रांसफर्ड टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस व्हेन दे ईट प्लांट्स एज फूड। देयरफॉर वी कैन कंसिडर फोटोसिंथेसिस एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ फॉर नियरली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। इस डायग्राम को गौर से देखिए, ये एक प्लांट है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे कॉर्न प्लांट लिया गया है, जबकि आप कोई भी दूसरा प्लांट यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स को एनिमल खाते हैं, और एनिमल्स लाइक बफेलो, काउ, ऑक्स, गोट, कैमल, ह्यूमन बींग्स इन्हें यूटिलाइज करते हैं एज ए फूड। सो जो प्लांट की एनर्जी है, और प्लांट की ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एनिमल्स में, क्योंकि एनिमल्स ने इन्हें खाया, और एनिमल्स की एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ह्यूमंस में, क्योंकि ह्यूमंस ने इन्हें कंज्यूम किया। तो एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनेगी कि प्लांट्स टू एनिमल्स एंड टू एनिमल्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। और प्लांट ने ये एनर्जी कहाँ से ली? प्लांट ने ये एनर्जी हासिल की सनलाइट की मदद से इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट के पास ये जो फूड था, ये
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू आया, इस फूड को कंज्यूम किया एनिमल्स ने जिसे बाद में कंज्यूम कर लिया ह्यूमंस ने। सो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस रेगुलेट्स एज वेल एज मेंटेन्स द फ्लो ऑफ एनर्जी। द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फोटोसिंथेसिस इज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज ऑलमोस्ट प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट्स ऑल्सो ट्रू हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की परसेंटेज ऑलमोस्ट 21% है बाय वॉल्यूम, द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और ये सारी ऑक्सीजन या इसका 99.9% 21% का फोटोसिंथेसिस के थ्रू आता है, यानी प्लांट्स के थ्रू आता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल हो ह्यूमंस के लिए। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ बैलेंस लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर वुड इंक्रीज इफ देयर वुड बी नो फोटोसिंथेसिस। अब आप जानते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ये ऐसा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है। फिजा में से एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेने का मतलब यह है कि फिजा में या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को कम कर देना। आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द पोल्यूशन का रेट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है ड्यू टू आर्टिफिशियल या और ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत से दीगर तरह के बहुत से मसाइल पैदा कर रही है, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में हमारा वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, एसिडिटी है, एसिडिटी की वजह से हमारी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा भी दीगर प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रेज करने से ह्यूमंस को फेस करना पड़ रहे हैं, लेकिन प्लांट्स इन कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कंज्यूम करके एक हेल्दी लाइफ यानी ऑक्सीजन गैस एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, जो कि ह्यूमन की लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। सो तमाम प्लांट्स एक तरह से इस बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी एटमॉस्फेयर में इन दोनों गैसेस का बैलेंस डिस्टर्ब ना हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में 0.03% की रेंज में एवरेज प्रेजेंट है, 0.03 से ये 1.4% तक ये एवरेज इसकी अमाउंट है एटमॉस्फेयर में। सो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस रेगुलेट्स एंड मेंटेन्स बैलेंस ऑफ लाइफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। अब ये लाइफ गैसेस दो हैं, आप जानते हैं, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लाइफ गैस है ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ गैस है प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स अपनी गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू इस लेवल को मेंटेन रखते हैं जो कि नेचर ने हमारे लिए सेट किया है। सो आप जान चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना सिर्फ प्लांट्स के लिए बल्कि अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी किस कदर ज़रूरी है। अब आते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। सबसे पहले हम टेस्ट एक्सरसाइज 1 से अपना होमवर्क करेंगे, और ये टेस्ट एक्सरसाइज 1 पेज 34 पे है CSS की टेक्स्ट बुक के। टेस्ट एक्सरसाइज 1 का पार्ट ए है फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ने के बाद आपने उसका राइट अमाउंट फाइंड करनी है। इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 5 यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। विच इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड की एक्चुअल अमाउंट एयर में कितनी है, आपको रेंज बताई गई है 0.1 to 0.2%। नंबर बी ऑप्शन है 0.2 to 0.3%। नंबर सी ऑप्शन है 0.03 to 0.04%। और नंबर फोर ऑप्शन है 0.4 to 0.5%। सो जो भी राइट आंसर है आपने उसका सर्कल फिल करना है। इसके बाद आइए आप अपने रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जो कि पेज 40 पे है। इसमें सब क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। विच गैस वुड इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर इफ देयर वुड बी नो फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो किस गैस की अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, या फिर हाइड्रोजन की।
आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप पार्ट बी की तरफ आइए, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे एंड लिस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस के इम्पोर्टेंस के 4 पॉइंट्स पढ़े। इस क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपने अपने क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, तो आप जस्ट 4 सेंटेंसेस में इन 4 पॉइंट्स को समराइज करेंगे, और बेहतर है कि हर पॉइंट के लिए एक हेडिंग भी हो। फिर आप पार्ट सी सॉल्व करेंगे, जिसमें से अब क्वेश्चन 2 आप आज के लेक्चर से रेलिवेंट है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। इसमें आप इन डिटेल तमाम पॉइंट्स को एलैबोरेट करेंगे। अब आइए अपने समर पैक की तरफ। इसमें से पेज 33 खोलिए, SLO बेस्ड MCQ आपको मिलेंगे। क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे आप, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रिसाइकलिंग, डिकम्पोजिशन। आपको 4 प्रोसेसेस बताए गए हैं, इनमें से कौन सा प्रोसेस ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है उसे फाइंड करें और उसका रीजन बताएं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। फिर आप आइए पेज नंबर 35 पे समर पैक के। हाउ इज फोटोसिंथेसिस द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ। इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट को आपने जस्टिफाई करना है कि फोटोसिंथेसिस तमाम लाइफ की का सोर्स कैसे है, एक सिंगल प्रोसेस इतनी वास्ट डाइवर्सिटी को कैसे सपोर्ट कर सकता है, उसकी बेस कैसे बन सकता है। सिंपल सा आंसर अगर आप गौर करेंगे तो आप इजीली लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।